अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 सीरीज के दूसरे फोन के बारे में, इन्फिनिक्स हॉट 12 आई। अब यहां पर क्या कि इस सीरीज में आपको तीन फोन देखने को मिलते हैं जो कि इन्फिनिक्स हॉट 12 है, और दूसरा आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 आई देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और साथ में तीसरा जो फोन देखने को मिलता है वो इन्फिनिक्स हॉट 12 आई प्ले देखने को मिलता है। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों दूसरे फोन के बारे में जो कि इन्फिनिक्स हॉट 12 आई है। अब इस फोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है फुल कंफर्म है, और साथ में हमें जितनी भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है टॉप पर देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या कि जितने भी स्मार्टफोन्स हमें इस प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन इतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या कि ये फोन अगर आपको बहुत कम प्राइस के अंदर दे भी दिया जाता है लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ही अच्छी ना देखने को मिले तो उस फोन का आपको क्या फायदा। लेकिन आज की वीडियो में ये जो डिवाइस टारगेट करती है, अपनी बैटरी को टारगेट करती है, अपने डिस्प्ले को टारगेट करती है, और साथ में कैमरा और परफॉर्मेंस को टारगेट करती है। बाकी यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, इस फोन में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है और किस मकसद के लिए इस फोन को बाय कर लेना चाहिए। बाकी इस फोन की डिजाइनिंग से तो कोई कमी नहीं है इन्फिनिक्स की तरफ से, और इसकी जो लुक देखने को मिलती है बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या है कि जितने भी स्मार्टफोन्स हमें इस प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन वो इतनी लुक अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं देते हैं, और साथ में लुक भी इतनी आपको खास नहीं देखने को मिलती है। लुक और डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइस हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान की मार्केट में, तो इसकी आपको 25,000 के अराउंड इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। बाकी अगर इंडिया की बात के एस्पेक्ट बता रहा हूं, इसी के अराउंड आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। बाकी अगर इंडिया की बात की जाए तो ये फोन आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि एस्पेक्ट है कि हमें दोनों प्राइसेस जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल कंफर्म है, और इसी के अराउंड आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। बाकी अब बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की और लॉन्च डेट की, हम दरमियान में बात करेंगे कि इस फोन को कब लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले हम कुछ स्पेसिफिकेशंस आर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सी स्पेसिफिकेशंस सबसे टॉप देखने को मिली और किस मकसद के लिए हमें यह फोन बाय करना चाहिए। बाकी बात करते हैं डिस्प्ले, जो साइज हमें देखने को मिलता है वो 6.6 इंचेस का देखने को मिलता है, और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलता है इसमें, हमें एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब यहां पर जितनी भी डिवाइसेस हमें देखने को मिलती है अपना डिस्प्ले जो है वो इससे कम हमें देखने को मिलता है, जो कि 6.5 इंचेस है, 6.4 इंचेस है, तो इतना देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 6.6 इंचेस का देखने को मिलता है और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कि एचडी प्लस रेजोल्यूशन है लेकिन इसमें हमें फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ हमें देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन खैर यहां पर दूसरी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि हमें इसमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है या नहीं देखने मिलती। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है परफॉर्मेंस वाइज। अब यहां पर इसमें आपको एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि हर किसी डिवाइस में देखने को मिलता है, लेकिन बात करते हैं चिपसेट की, जो कि हमें मीडियाटेक हेलियो A22 का देखने को मिलता है, जो कि काफी हद तक आपको नॉर्मल चिपसेट दिया गया और अपनी प्राइस के अंदर वैल्यू दे रहा है। अब यहां पर क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस आपको इतनी प्राइस के अंदर देती हैं लेकिन आपको जो चिपसेट दिया जाता है इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता, लेकिन आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब यहां पर प्ले स्टोर पर जितनी भी आपको गेम्स छोटी-छोटी देखने को मिलेंगी वो आपको इसमें अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आप जो हाई लेवल की आपको गेम देखने को मिलेगी वो इतनी आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जो कि आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी अब बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की, जो कि बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सेकंड आपको 2 मेगापिक्सल का और थर्ड भी 2 मेगापिक्सल का। बाकी सेल्फी देखें तो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जो कि सिंगल देखने को मिलेगी। अब यहां पर क्या कि जो आपको कैमरे वाइज दिया गया इतना खास तो नहीं, लेकिन आपकी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होगी और साथ में आपको अच्छी ही क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। बाकी यहां पर क्या है इन्फिनिक्स को जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करती है एक अच्छी ही डिवाइस लॉन्च करती है, लेकिन यहां पर जो टारगेट किया जा रहा है वो बैटरी को टारगेट ज्यादातर किया जा रहा है, बाकी दूसरे नंबर पे जो है वो आपको कैमरे वाइज भी टारगेट किया जा रहा है। डिस्प्ले की तो हमने स्टार्टिंग में बात की, जो कि हमें अच्छा ही डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, लेकिन अब बात करेंगे वेरिएंट की, जो कि हमें 4GB के साथ 64GB मेमोरी देखने मिलती है और साथ में माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या है कि इसमें हमें जो दूसरा वेरिएंट देखने को मिलता है वो अभी एस्पेक्ट नहीं है कि हमें कौन सा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही एस्पेक्ट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका बता दूंगा। लेकिन यहां पर अब बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि हमें बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, जो कि हमें 5000 mAh की बैटरी पावर देखने को मिलती है
मिलती है और साथ में 10 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको चार्जर इतना ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमें 15 वाट का या तो हमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दी जाती तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन अगर चार्जर करना हो तो हमें काफी टाइम ना लगे, जो कि काफी कम वक्त लगे, लेकिन यहाँ पर हमें 10 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि इतनी हमें नहीं देखने को मिल रही। बाकी खैर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो अभी इन्फिनिक्स की तरफ से कोई एक्सपेक्ट नहीं है कि हमें इसकी क्या लॉन्च डेट देखने को मिलेगी, लेकिन ये स्मार्टफोन हमें 20 से 25 डेज के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट है कि हमें इसी के राउंड देखने को मिलेगी ये डिवाइस। बाकी यहाँ पर जो इन्फिनिक्स हॉट 12 आई प्ले है, इसकी भी बहुत जल्द कंफर्मेशन होने वाली है, जो कि एक्सपेक्ट हो जाएगा और इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो लीक हो जाएंगी, और उसके बाद हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।